हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये आरसीबी वर्सेस जीटी यानी कि बेंगलोर वर्सेस गुजरात की टीम के बीच में जो ये आईपीएल का मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपनी टीम बनाने से पहले इस वेन्यू के बारे में और दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड में अभी तक दो ही मैच खेले गए हैं, जिसमें से एक बेंगलोर की टीम ने जीता है और एक यहाँ पे गुजरात की टीम ने जीता है। आप यहाँ से देख के चल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इस वेन्यू की बात करें तो ये मैच दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, जो कि यहाँ पे आरसीबी की टीम का होम ग्राउंड है, यानी कि बेंगलोर की टीम का होम ग्राउंड रहने वाला है। अब इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 167 का रहा है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 का रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर ओवरऑल इस विकेट के बारे में बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी विकेट रहती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर बनता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग विकेट की बात करें, यानी कि स्पिनर को ज़्यादा मिलते हैं पेसर्स को, तो जो लास्ट 10 मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो 66 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने निकाले और 47 विकेट स्पिनर को मिले। तो ओवरऑल यहाँ पे स्पिन के मुकाबले पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें रीसेंट मैचेस की, यानी कि जो रीसेंट मैच खेलेगा इस वेन्यू पे, आप उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे पता रहेगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। तो अभी रिसेंट में कोलकाता वर्सेस बेंगलोर की टीम के बीच में एक मैच हुआ, जिसमें केकेआर यानी कि कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 200 बनाए और इस मैच को यहाँ पे आरसीबी की टीम चेस नहीं कर पाई, सिर्फ 179 बना पाई। उससे पहले देखेंगे तो आरसीबी वर्सेस आरआर की टीम के बीच में एक मैच हुआ, जिसमें आरसीबी की टीम ने यहाँ पे 189 बनाए और इस मैच को यहाँ पे राजस्थान की टीम चेस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की टीम 182 तक पहुंच गई थी। तो दोनों मैच यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। उससे पहले एक यहाँ पे मैच हुआ जिसमें सीएसके की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 226 बनाए और इस मैच को भी यहाँ पे आरसीबी की टीम चेस नहीं कर पाई। हालांकि अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 218 यहाँ पे आरसीबी की टीम ने भी बना लिए थे चेस करते हुए, यानी कि तीनों के तीनों मैच यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम ने जीते और दोनों ही इनिंग में काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर बनाए। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पे वेन्यू के बारे में जान लिया, हेड टू हेड मैचेस के बारे में जान लिया, अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम बनाने। तो दोस्तों, आप लोग जब अपनी टीम बनाने विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे जो खेलने वाले हैं, यहाँ पे रिद्धिमान शाह, अनुज रावत। तो दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए बात करें तो रिद्धिमान शाह बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, ओपनिंग पर आ रहे हैं प्लस विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अनुज रावत को दोस्तों आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती तो स्मॉल लीग में तो लेना इनको रिस्की रहेगा। हालांकि लास्ट मैच में यहाँ पे कार्तिक नहीं खेले थे तो अनुज रावत ने ही विकेट कीपिंग की थी, तो ये जीएल की अच्छी पिक रहेंगे। अगर फिर से यहाँ पे दिनेश कार्तिक नहीं खेलते हैं तो फिर अनुज रावत ही यहाँ पे विकेट कीपिंग करने वाले हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो जीएल की एक अच्छी चॉइस रहेंगे। उसके अलावा बाकी किसी को यहाँ पे मौका मिला नहीं है, इनमें से कोई खेलेगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो विकेट कीपिंग में मैंने यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए शाह को ही लिया। अब यहाँ पे हम बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास फाफ डुप्लेसी का ऑप्शन है, जिनको लेके चलना ही चलना है। उसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन तीनों के बिना जाना तो बड़ा रिस्क लेने के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे तीनों को लिया है। उसके अलावा फर्स्ट इनिंग में दोस्तों आप लोग मिलर को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। साई सुदर्शन को अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो किसी भी इनिंग में कर सकते हैं, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा और एक अच्छे प्लेयर हैं, तो ये भी ट्राइबल ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए रहेंगे। बाकी लमरौर को आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में लेना इसका कोई फायदा है नहीं। तेवटिया काफ़ी नीचे आते तो इनके बारे में ज़्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी यहाँ पे नीचे अभी कोई खेल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम दोस्तों चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, ये भी दोस्तों ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में 2 डाउन बैटिंग करने आए थे प्लस 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी कराई। लास्ट मैच में दोस्तों 2 ओवर की इन्होंने बॉलिंग कराई थी, जिसमें 2 विकेट भी इन्होंने लिए थे और टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनको लेना। हालांकि अगर आप सामने वाली टीम में देखेंगे तो काफ़ी आपको राइटी बल्लेबाज देखने को मिलने वाले हैं, तो हो सकता है इनको उतने ज़्यादा विकेट ना मिले, पर अभी ये टॉप ऑर्डर में भी आ रहे हैं, 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो इनको लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है सेफ जाने के लिए। उसके अलावा विंदु हसरंगा खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, विजय शंकर खेलते भी हैं, जीएल में ही ट्राई करना। एस अहमद दोस्तों, ये प्लेयर काम आ सकता है इस मैच में, क्योंकि सामने वाली टीम में काफ़ी राइटी बल्लेबाज हैं और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो इन पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहें।
तो इनको स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी इनके मतलब अच्छे खासे इनके बॉलिंग कराने के भी चांस रहेंगे और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं अगर मौका मिलता है तो ये जीएल और स्मॉल लीग दोनों के लिए अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा सनाका को जीएल में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में अभी के लिए लेना रिस्की रहेगा क्योंकि बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है तो इनका कोई भरोसा है नहीं। बाकी नीचे यहाँ पे ओ इसमें बदंगे को मौका मिला नहीं तो इनमें से कोई खेलेगा टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे राशिद खान मोहम्मद शमी दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं इन दोनों के बिना तो नहीं जाऊँगा। उसके अलावा दोस्तों सिराज रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है तो ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सिराज को भी लिया है। मोहित शर्मा को आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हैं, हालांकि दोस्तों इनका मैंने अभी हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड चेक किया तो इनका हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है, तो स्मॉल लीग में मैं नहीं लूंगा पर जीएल में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। परनेल का रिसेंट भी अच्छा और इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए परनेल को भी लिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे परनेल की जगह पे किसी अदर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर्षल पटेल है, इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हालांकि हर्षल का भी इस सीजन में कुछ खास परफॉर्म रहा नहीं है पर दोस्तों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में डेथ में भी आते हैं तो ट्राइबल ऑप्शन है। नसूम अहमद ने रिसेंट में काफ़ी अच्छा किया तो ट्राइबल स्मॉल लीग के लिए रहेंगे। करण शर्मा का दोस्तों हेड टू हेड वेन्यू दोनों अच्छा रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट, अगर आरसीबी की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तो फिर हो सकता है मैं इनको लेके जाऊं, पर अभी के लिए मैंने नहीं लिया। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो फिर मैं परनेल के साथ ही जाऊंगा, अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तो शायद मैं करण शर्मा को लेके चला जाऊं तो फिर मैं इन पर रिस्क ले सकता हूं। तो जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे परनेल को लिया। अब दोस्तों फिलहाल जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है तो दोस्तों पहले नीचे और जो प्लेयर उनके बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे हेजलवुड खेलेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी यहाँ पे अभी किसी के चांसेस हैं नहीं। दयाल अगर खेलते भी हैं तो जीएल में ही ट्राई करना, लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेले थे तो इनको आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी नीचे यहाँ पे कोई खेलता हुआ दिख नहीं रहा है तो फिलहाल मैंने यहाँ पे परनेल को लिया। जो मेरी टीम बन रही है वो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे सीवीसी ऑप्शन की बात करें इस मैच के लिए तो आपके पास यहाँ पे विराट का ऑप्शन रहेगा, फाफ का ऑप्शन रहेगा, हार्दिक पांड्या ऑप्शन में रहेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो सुमन गिल भी ऑप्शन में है, पर दोस्तों सुमन गिल के बारे में भी बात करें तो इनका भी हेड टू हेड और वेन्यू उतना अच्छा नहीं रहा है पर रिसेंट फॉर्म काफ़ी गजब का है तो इनको भी आप लोग सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये चार अच्छे ऑप्शन हैं, आप लोग जिसको करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने अपनी कैप्टनसी एक बार फिर यहाँ पे विराट कोहली को ही दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए डुप्लेसी को किया। आपके पास जो अदर ऑप्शन है गिल और यहाँ पे हार्दिक, आप लोग इनके साथ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे कैप्टन यहाँ पे कोहली है, वाइस कैप्टन यहाँ पे डुप्लेसी है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।